इसी में अगर हमें स्पार्कल यूज करना है तो कैसे करेंगे? हम ब्लैक लीटर ही बोल रहे हैं, ठीक है ना? ब्लैक स्पार्कल लगा रहे हैं। Thank you.
तब तो मैं पहले पेज बनाना जो है ना मेरा रीजन वो भी कुछ और था, ठीक है। और हर एक व्यक्ति हर एक कुछ कैरी नहीं कर सकता, ये भी बताना है। तो 2 बजे की वजह से मैंने जो है मेकअप का ट्रेंड चेंज किया और मैं स्ट्रेट पे, क्योंकि आपको ये पता चलेगा कौन सी पर्सनालिटी क्या कैरी कर सकती है, राइट। और दूसरा हम कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं ये भी आपको जानने को मिला। सारी चीजें हम लोग एक साथ मतलब जो है कैटेगरी है OFC में, उसमें जितना आप सेटल लुक देते हैं, सेटल लुक के साथ में क्या देखा जाता है, कई बार होता है ना हम लोग सोचते हैं यार सेटल लुक जो है उसमें क्रिएटिविटी तो कर ही नहीं पाते, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है, क्योंकि
बिकॉज उसमें आपके जो फीचर्स है उसके हिसाब से काम करना होता है और आपके फीचर्स को इन्हांस करते हुए काम करना होता है। और आइबा के थ्रू हम सबको ये जो प्लेटफॉर्म मिला हुआ है अभी OMC, कितने लोगों ने यहाँ से OMC में पार्टिसिपेट किया है? यहाँ से किसी ने किया क्या OMC में पार्टिसिपेट? क्यों नहीं किया आप लोगों ने? पता ही नहीं था क्या? मॉली में कुछ नहीं होता पाली में, फिर मैं क्यों आई? कैसे आई बताओ आप? मैं पाली में क्यों आई? नहीं, ऐसा नहीं, आपका भाग्य नहीं है, ये HBO और आईबा जो हमारा संगठन है हम उसके थ्रू आए हैं, ठीक है? तो ये संगठन की ताकत होती है। आपको भी अगर अपने स्किल को इनहांस करना है, आपके स्किल को प्रमोट करना है, एक ब्यूटिशियन काम करती है, आजीवन काम करती है, डेडिकेटली काम करती है और वो क्या करती है, अपने सलोन तक सीमित होती है, उसको उसका शहर जानता है, ठीक है, या उसके कस्टमर जानते हैं, पूरा पाली जान लेगा या मैं कोटा से हूँ मुझे पूरा कोटा जान जाएगा। लेकिन आज मैं अगर आईबा में हूँ यानी कि ऑल इंडिया हर मीडिया एसोसिएशन में हूँ तो मुझे पूरा इंडिया जानता है। और आज अगर मैं यहाँ हूँ बिकॉज ऑफ HBO, ठीक है, आज अगर मैं हर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हूँ तो बिकॉज ऑफ संगठन, हम संगठन में कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे तो उसकी वजह से हमने भी कहीं ना कहीं एक नई पहचान अपने आप को दिलाई। वरना एक आर्टिस्ट को क्या चाहिए, उसके आर्ट को पहचाने लोग। और हर एक व्यक्ति की एक चाहत होती है, हम दुनिया में आए हैं तो खुद के लिए भी करें और दूसरों के लिए भी कुछ करें। तो आप भी अपने स्किल को पॉलिश करके आप कोटा आके प्रमोशन कर सकते हो, आप कोटा आके डेमो दे सकते हो, लेकिन आपके अंदर एक तो जुड़े रहना और जुटे रहना, मैं दो चीज़ बोलती हूँ संगठन के लिए, संगठन में विश्वास करके जुड़े रहो और जुटे रहो, मतलब कुछ कुछ करते रहो और लोगों को भी जुड़ाओ और लोगों को भी कनेक्ट करो। हम लोग क्या है, एक ब्यूटिशियन दो पड़ोस पड़ोस में पार्लर होते हैं, राइट, वो क्या करते हैं एक दूसरे को देख के नाखून से मतलब वो करते हैं, अरे वो मेरी कॉम्पिटिटर है, इज इट? लेकिन आज क्या है, हम लोग बैठ के साथ में खाना खाते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, फोन पे एक दूसरे के हालचाल पूछते हैं, कभी कोई कस्टमर चीट कर जाती है तो हम फोन करके उसको क्रॉस टैली भी करते हैं। कोई एम्प्लॉय आपके यहाँ से मानो कुछ गलत करके गई है या आपके साथ कुछ गलत करके गई, तो आप क्या करते हो, संगठन होता है तो आप या तो संगठन में बोलते हो या फिर आप आपस में एक दूसरे को जानते हो, पहचानते हो, तो आप इमिडिएटली कॉल करते हो, हेमा जी आपके यहाँ ऐसी आई है क्या लड़की, आए तो मत रखना, या फिर इसने ऐसे किया था, या वो बहुत अच्छी आई है लड़की, तो आप टैली कर सकते हो, हाँ मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, अच्छी लड़की है, आप उसको रख सकते हो। अब मानो आप इतने सारे क्लासेस लेते हो, आपके पास इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, सबको तो आप नौकरी में रख नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे, सबको डिस्ट्रीब्यूट करो, तो सबका काम अच्छा होगा। अपनी अकेले की ग्रोथ के बारे में सोचोगे तो आपकी खुद की ग्रोथ होगी, सबकी नहीं होगी तो आपकी भी नहीं होगी। तो याद रखिए, अगर अपन खुद की ग्रोथ अगर आप चाहते हो तो सबकी ग्रोथ के बारे में सोचो, अगर आप सबकी ग्रोथ के बारे में सोचोगे तो डेफिनेटली आपकी खुद की ग्रोथ जो है वो ऑटोमेटिकली होगी, ओके? तो हमेशा ये चीज का ध्यान रखना है।